नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंजीनियरिंग चंदन सिंह में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग की जो बेसिक, जिसको हम बीम स्लैब कॉलम में हम लोग पॉइंट को फॉलो करते हैं। तो पहला है, हुक लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 90। जो हुक होता है स्टिरप्स का, उसकी जो लेंथ होती है वो 90 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 10 का डाया है तो 10 का 90 से कम नहीं होना चाहिए। जनरली हम लोग 10D का यूज़ करते हैं हुक के लिए। 10D से 11D हो सकता है, लेकिन 90 से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड है, थोडोलाइट लिस्ट काउंट इज 22nd, वेरियस कंपास लिस्ट काउंट इज 30 मिनट। जो थोडोलाइट का जो लिस्ट काउंट होता है वो 22nd होता है, और जो कंपास होता है उसका लिस्ट काउंट 30 मिनट होना चाहिए। थर्ड इज द लेंथ ऑफ ईच बार फॉर द फैक्ट्री इज 12 मीटर। जो स्टील की जो लेंथ होती है जो फैक्ट्री से आती है वो 12 मीटर होती है। द हेड मेसन, मेन मेसन जो होता है, कैन वर्क 25 to 30 feet 30 meter square इन द डे। इन कंस्ट्रक्शन द रेट एनालिसिस फॉर द वर्क ऑफ वर्कर इज कैलकुलेट इन मैन आवर। जो हेड मेसन होता है वो 25 से 30 स्क्वायर मीटर वर्क उसको करना चाहिए। ये प्लास्टर की बात हो रही है। इन कंस्ट्रक्शन द रेट एनालिसिस फॉर द वर्क ऑफ वर्कर इज कैलकुलेट इन मैन आवर। जो कंस्ट्रक्शन में जो रेट एनालिसिस होता है वर्कर का वो घंटे में होता है कि कितना घंटा किसने काम किया, कितना घंटा इस साइड पे काम हुआ है। कैंटिलीवर बीम हैज़ 1 fixed सपोर्ट एंड अदर एंड फ्री। जो कैंटिलीवर उसका एक सपोर्ट फिक्स होता है, एक फ्री होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम हैज़ अ मिनिमम ऑफ 2 सपोर्ट। और जो सिंपली सपोर्टेड होता है उसके दो कम से कम सपोर्ट होने चाहिए। डेड लोड इज द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट होता है वही उसका डेड लोड भी होता है। द हाइट ऑफ द फ्लोर इज यूजली 3 meter or 10 feet। जो हाइट हम लेते हैं फ्लोर का वो जनरली 3 meter होता है या 10 feet होता है। वाइब्रेशन इन फ्रेशली मेड कॉन्क्रीट इज डन टू रिमूव द एयर बबल इन द कॉन्क्रीट मिक्स। जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होता है, वाइब्रेटर जो होता है उससे हम जो वाइब्रेशन करते हैं फ्रेश कॉन्क्रीट में, तो उसका यूज़ हम करते हैं ताकि जो अंदर के बबल है वो कॉन्क्रीट मिक्स से बाहर आ जाए। नेक्स्ट है, द मिनिमम सील लेवल हाइट शुड बी 44 इंच। जो सील लेवल जो होता है वो 44 इंच से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 44 इंच होना चाहिए। द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द कॉलम इज कॉल्ड टाइज। जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कॉलम में उसको टाइज बोलते हैं। एंड व्हेन दे कम इन बीम दे कॉल्ड स्टिरप्स। और अगर उसी को हम लोग बीम में लगाए तो उसको हम लोग स्टिरप्स बोलते हैं। स्टिरप्स इन बीम एंड टाइज इन कॉलम आर प्रोवाइडेड टू हैंडल द शेयर फोर्स एंड टू कीप लॉन्गिट्यूडिनल बार इन पोजिशन। दो स्टिरप्स जो बीम में होता है और जो टाइज कॉलम में होता है, इनको लोग जनरली शेयर फोर्स और लॉन्गिट्यूडिनल बार को ठीक पोजिशन में रखने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, लैपिंग ऑफ बार नॉट अलाउ इफ द डाया ऑफ द बार मोर देन 36 mm। अगर स्टील का जो डाया है वो 36 mm से ज़्यादा है तो हम लोग वहाँ पे लैपिंग नहीं कर सकते, कपलर का यूज़ वहाँ पे हम लोग करेंगे।
नेक्स्ट मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 0.125 मीटर। जो थिकनेस मिनिमम होना चाहिए स्लैब का वो 125 mm या 0.125 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ DPC डैम प्रूफ कोर्स शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। जो डैम प्रूफ कोर्स होता है उसका थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वाटर pH लेवल लेस देन 6 शुड नॉट बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। जो वाटर का जो pH लेवल 6 से अगर कम है तो उसको कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट द प्राइम रीजन फॉर यूजिंग स्टील एज रेनफोर्समेंट इज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। दो प्राइम रीजन जो होता है स्टील का हम लोग यूज़ करते हैं एज अ रेनफोर्समेंट, उसके थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हम लोग स्टील का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि आने वाली और वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।